एक खुद की निजी आर्मी बन सके इतने हथियार, चंद्रप्रस्थ की पूरी आबादी को खत्म कर सके उतने ड्रग्स, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस कर सके उतने जाली नोट, ये सब इन कंटेनर्स में पाए गए हैं। नौजवानों को इन हथियारों से गुनहगारी के रास्ते पर गुमराह किया जा रहा है, ये हमें किसी भी हालत में रोकना होगा। विकास, इन कंटेनर्स के मालिकों की जानकारी मिलते ही उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होते ही हम आपको इत्तला कर देंगे। हमें एकजुट होकर चंद्रप्रस्थ को सुरक्षित बनाना होगा। विकास, मेरे पास जल्दी आओ। सुन जास्मिन, जल्दी से कस्टम ऑफिसर को मिलो। अपने प्रेस नोट्स ले लीजिए। थैंक यू। अजय सर, सीज किए गए कंटेनर्स को यार्ड में भिजवा दो। ओके, ठीक है। यहां से कस्टम सिक्योरिटी संभाल लेगी। ऑल राइट। पूरे 17 करोड़, तुम क्या बात कर रहे हो सैंधव? समझ नहीं आ रहा क्या करूं सर। कल एनजीओ वालों से मिलने जा रहा हूं। आप लाडो से एक बार मिल लो सर, अगर आप आएंगे तो वो बहुत खुश हो जाएगी सर। रात को तुम्हारे घर आता हूं, तुम चिंता मत करो। थैंक यू सर। हाँ, वेपन्स के साथ बच्चों की भी डिलीवरी होगी, ये सौदा था। पर वेपन्स और कंटेनर बंदर पे पकड़े गए। हथियार के बिना बच्चे हमारे किसी काम के नहीं है। तुम्हें भाई को जवाब देना होगा। कहो मैं शर्मिंदा हूँ उसके लिए। थोड़ा वक्त लगेगा प्लीज। किसी भी हालत में जल्दी कंटेनर्स बाहर निकलवा दूंगा। ये हमारी गन नहीं भाई की है। अगर 2 दिनों में गन्स के साथ बच्चों की डिलीवरी नहीं हुई तो इससे अपना भेजा उड़ा देना। मेरा नाम है जैस्मिन, विकास मलिक ने भेजा है। हार्बर पर पकड़े गए कंटेनर्स विकास मलिक के हैं। अच्छा है, मेरा काम आसान हो गया। कंटेनर छोड़ने कहा है विकास ने। ओह, ऐसा कहा है। तुम कंटेनर्स रिलीज करोगे, वो भी आज रात तक। पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह विकास संभाल लेगा। ऑर्डर? हाँ, जो समझना चाहते हो समझ लो। जाकर विकास मलिक को कहो कि कॉलर से घसीट कर उसे, मैं खुद जेल की सलाखों के पीछे उसे बंद करूंगा। टेंशन नहीं लेने का मित्रा भाई, मैं सब संभाल लेगा। एक काम ढंग से नहीं कर सकता है तू, निकम्मा है साला। दफा हो जा। कंटेनर्स आज रात तक छुड़वाने ही होंगे। नहीं कर सकता तो जिस गंदी नाली से आया है वहां वापस लौट जा। चल जा। जरा संभल कर सर, रोज एक नया मर्डर हो रहा है चंद्रप्रस्थ में। पेंस्टॉक्स! अपने को बस्ती का शेर मानते लोग, मेरे को मारेगा तू। बोल। नहीं मान रहा है वो। हैंडल करो जैस्मिन, हैंडल करो, अपने तरीके से हैंडल करो। ओके। स्टॉक्स, मेरे पे हाथ उठा बेटा। अटैक का प्लान कब है? ऑफिस से निकलते ही उसे हमारे आदमी अटैक करेंगे। कोई भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है। जैस, क्या हुआ सबको? क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? विकास, परेशान मत हो। अरे कैसे नहीं परेशान हो जैस्मिन? परेशान है तो क्या नाचू? मुंह पे मारा मेरे को सबके सामने, फटाक। मैन स्टॉक्स, देख कैसा कंटेनर्स निकालता हूँ, फिर समझेगा आप उनकी ताकत। तो चल मेरे साथ, ए फोन निकाल। सैन
आप मेरे पीछे आइए सर। ठीक है। क्या हुआ मेरी गायत्री को? गोल गोल घूम रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? इसीलिए क्योंकि तुम कमजोर हो गई हो ना। कल से अच्छे से खाना पीना करो, ठीक है ना? अब तुम सो जाओ बेटा। अरे ये रात पाली में काम करके तंग आ चुके हैं। अरे दो तीन दिन की बात लेगा, फिर पहला पाली शुरू हो जाएगा। अरे क्या है, किधर जाना है? अरे क्या कर रहे हैं? कौन है भाई तू? मेरे को टॉर्च मारता साला। जाने का नहीं, मरना भी नहीं सकते तेरे को। साहब कंटेनर रजिस्टर किधर है? मुझे नहीं पता साहब। B24 किधर है? उधर साहब, ऊपर है। उतार इसको। बिरयानी राइस। मेरा कंटेनर किधर है? यही है सब। ये तो मेरा नहीं है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक यही आपका कंटेनर है साहब। किसके मुताबिक? रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स के मुताबिक। जैस्मिन, कस्टम ऑफिसर्स को बुला, मेरा कंटेनर्स मेरे को मांगता है बिच, नहीं तो मैं नहीं जाएगा इधर से। ये रिपोर्ट कचरे के डब्बे में फेंक दे इसको, हटा इसको। मेरा कंटेनर मेरे को होना, कस्टम ऑफिसर को लेके आ। हाँ मैडम, इधर तो घर पे ताला लगा हुआ है। कस्टम ऑफिसर घर पर नहीं है। क्रेन ऑपरेटर्स ने पक्का हेल्प किया होगा उसको। सारे क्रेन ऑपरेटर्स को इधर ला अभीच। हम सबसे मदद तो लेंगे, फिर भी 17 करोड़ तो हमसे। पैसों की बात नहीं है सर, आपको बताकर मन हल्का हो गया। पहले तुम एनजीओ से मिलकर पता करो कि वो लोग क्या कर सकते हैं, फिर देखते हैं। चिंता मत करो। मैं भी आया सर। हाँ ये तेरे को सैंधव का घर मालूम है क्या? वो क्रेन चलाता है पोर्ट में। क्यों, आप लोगों को कोई हिसाब चुकता करना है क्या सैंधव से? पुरानी दुश्मनी है। तू अपना काम कर, अब उनके मामले में टांग मत अड़ा, चल निकल। आप 10 मिनट बैठिए सर। पर किस लिए? बस 10 मिनट। ठीक है। बोलने को तो वो क्रेन चलाता है, लेकिन उसने घर पर गन वन सब रखी हुई है, थोड़ा संभल कर जाना। तेरे को ये सब कैसे मालूम? वो अभी अभी मेरे साथ एक ताजा ताजा हादसा हुआ है ना। चुप कर मैं। घर मालूम है कि नहीं? आ गया, देखो वही है, कहीं पर जा रहा है वो। जाओ जाओ जल्दी जाओ। चले पंटर। मेरा नाम मत बोलना। क्या हो गया? वो देख उधर जा रहा है। तो टाइम पास क्यों कर रहा है, जा पकड़ उसको। पापा चले गए हैं ना? तुम कैसे जानती हो? वो बैड अंकल से मिलने जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने जाने से पहले मेरे कान में आकर कहा।
घर से ही तो आ रहा हूं, तेरे साथियों को ऊपर पहुंचा के उनसे मिलेगा। कॉलर तो हर शर्ट पर होता है, मगर किसकी गर्दन पर है देखकर गिरेबान में हाथ डालना चाहिए, वरना ना तो हाथ रहेगा और ना ही तुम। तो साइको है, ये यहां कैसे? क्या बकवास कर रहा है तू? जानती है कि वो कौन है? हार्बर पर काम करने वाला एक क्रेन ऑपरेटर। क्रेन ऑपरेटर नहीं, वो सैंधव है। ए सैंधव कोनेरू, साइको है वो। साइको? वही है, विकास मलिक का कहर देखा है ना, ये पागल तो उससे 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। तुमने हमारा मौत का टिकट काटा है, इधर से जिंदा निकला ना तो आके तेरे को ठोक दूंगा, याद रखना। नहीं निकलेगा। क्या हुआ सर, किसका फोन आया था? साइको, वो लौट आया है किशोर।